मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खेती कानूनों खिलाफ सिरसा च प्रदर्शन कर रहे किसानों नू पुलिस ने अज हिरासत में लै लिया है। किसानों ने पुलिस उत्ते धक्केशाही करने का दोष लगाते हुए केंद्र ते हरियाणा सरकार खिलाफ नारेबाजी भी की। धरनाकारियों में मौजूद स्वराज पार्टी के लीडर योगेंद्र यादव नू भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने किसानों पे दमन का चक्र चलाया है, किसानों को बार बार यहाँ से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। पहले एक जत्थे की गिरफ्तारी हुई, अब दूसरे जत्थे की गिरफ्तारी हो रही है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा के किसानों को कहना चाहता हूँ, ये सिरसा अब किसानों के आंदोलन की कर्मस्थली बनेगी। मैं तमाम किसानों से आग्रह करना चाहता हूँ, इसी चौक से जहाँ से किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आप भी अपने जत्थे लेके आइए शांतिपूर्वक। हमें कोई झगड़ा नहीं करना, कोई हिंसा नहीं करनी, शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। उधर किसानों हिरासत में ले जाने उत्ते एसडीएम का कहना है कि किसानों ने सड़क उत्ते प्रदर्शन करने लई कोई भी इजाजत नहीं ली सी, जिस कारण उन्होंने उत्ते कार्रवाई की गई है। उसे कहा गया है कि भाई जिन्होंने गिरफ्तारी देनी है वो अपने आराम से गिरफ्तारी दें और जिन्होंने यहाँ से जाना है वो जाएं, क्योंकि कल से इन्होंने रोड जाम यहाँ किया हुआ था। इनका जो प्रदर्शन था वो कल तक ही था दशहरा ग्राउंड के अंदर, और यहाँ जो रोड की आवाजाही वो मुश्किल हो रही थी, तो इनसे यही आग्रह किया गया था कि भाई आप यहाँ से उठें या जिन्होंने गिरफ्तारी देनी है गिरफ्तारी दें। दस दिए कि सिरसा में कल शाम तो 17 किसान जथेबंदियों वालों केंद्र ते हरियाणा सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, पर सड़की आवाजाही प्रभावित होने का हवाला दे के स्थानक प्रशासन वालों किसानों उत्ते कार्रवाई अमल में लिया गई है। सिरसा तो सूरज प्रकाश, दैनिक सवेरा टीवी। ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 9947 84374 9948। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।